हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं पॉथ सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, लुजंग सोच रहा होता है कि अब किसे पता कि रीजन क्या है, मतलब कि जो ओनर है गॉडली फॉरबिडन लैंड का, वो इतना ज्यादा जनरस है कि इतनी ज्यादा सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ उसने मुझे दी। तो एपिसोड नंबर 349 की स्टार्टिंग होती है। लुशु बोलता है कि जो पाथ है आगे वो सैक्रेड स्प्रिंग माउंटेन के डीपेस्ट पाथ है, वेल डीपेस्ट रास्ता है वो। ये जो पाथ अंडरग्राउंड जा रही है, शायद इससे हम बाहर निकल सके। तो जिस पोजिशन में हमें वो इतनी ज्यादा डीप नहीं लग रही है, वो आगे मूव कर रहे थे तो आगे कोई बीस टाइप आ जाते हैं, उन्हें घेर लेते। लुशु बोलता है ये क्या चीजें हैं। लुशु बोलता है कि ये ग्रेट डीमन बैडलर्स हैं, बैडगर्ड्स हैं, बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं। हमारे माउंटेन रन क्लैन में भी अडल्ट्स चाहिए इनको मारने के लिए, वेल अडल्ट्स का ग्रुप चाहिए इनको मारने के लिए, वो सभी आ रहे होते हैं उनकी तरफ। लुशु बोलता है अगर हम फाइट करने वाले हैं इनके साथ तो मैं जरा भी देर नहीं दिखाऊंगा। जो बीस्ट होता है वो जोर से रोर करता है, तो लुशु जल्दी से उनके पास आ जाता है। वो तीनों जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं, लुशु उनके पास जाता है और उन सभी को पंचेस मार रहा होता है। लुशु के पंचेस से वो सभी मतलब बेहोश हो जाते हैं एक तरह से ही। लुशु बोलता है तुमको ज्यादा स्ट्रॉन्ग। लुशु बोलते चलो चलते हैं, वैसे मूव कर रहे होते हैं आगे डेड एंडिंग तक पहुंच जाते हैं, वहां से लाइट आ रही होती है। लुशु बोलते हैं कि हम बाहर पहुंच गए हैं। दोनों बाहर आ जाते हैं, बाहर जो होते हैं फैमिली के एल्डर्स और पैट्रिच वो खड़े होते हैं। पैट्रिच बोलता है कि तुम सक्सेसफुली बाहर आ गए सैक्रेड स्प्रिंग माउंटेन से, तो इसका मतलब तुमने एडल्ट सेरेमनी को कम्प्लीट कर लिया है। बाकी बोल रहे होते हैं हाँ पहले पहुंच गए होते हैं। एक बोलता है हंसते हुए कि अंकल जब ग्रेविटेशनल फोर्स रिवर्स हुई थी तो मैं नहाया पॉन्ड ऑफ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ में। पैट्रिच बोलता है अच्छा, ऐसा तो मतलब होता ही नहीं है पहले, ये थोड़ा सा अजीब है। लुशु को बोलते कि तुमने कितना गेन किया। लुशु बोलता है कि मैं भी, हाँ लुशु बोलता है ठीक ही था, मैं भी लकी हुआ और मैंने कुछ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ को अब्सॉर्ब कर लिया। पैट्रिच बोलता है वो कुछ कितना है। लुशु बोलता है कि मैंने अब्सॉर्ब किया जितना मेरी बॉडी कर सकती थी, पर काफी बच भी गया जितना मैं अब्सॉर्ब नहीं कर सकता था, वो लिटिल वेस्ट था। वेल क्या ये लुशु पहेलियां बजाता सीधा नहीं बोलता कभी भी, है ना। पैट्रिच बोलता है कि वेल अच्छा किया तुमने, सभी को ब्लेसिंग मिल गई सैक्रेड स्प्रिंग माउंटेन की, तो मेरे को फॉलो करो। वो फिर वापस पहुंच जाते हैं अपने प्लेस में। प्रिंसेस बैठी होती है, बोलती है लुशु और बाकी भी नहीं आए। गार्डन बोलता है कि वो वापस आ गए हैं सैक्रेड स्प्रिंग माउंटेन से, तो वो पास हो गया, पर मुझे नहीं पता कि वो इस स्टोन को कितना पुश कर पाएगा। वेल वो एक गोल्ड का स्टोन बीच में होता है। पैट्रिच बोलता है कि ठीक है, जो भी सैक्रेड स्प्रिंग माउंटेन टेस्ट को पास कर चुके हैं, अब तुम्हारा टाइम है स्ट्रेंथ ट्रायल के लिए। जो कल्टीवेटर्स इस स्ट्रेंथ टेस्ट को पास कर पाएंगे उन्हें हम पार्टिसिपेट करने के लिए लेके जाएंगे हंटिंग ट्रायल में। इस गोल्डन कलर स्टोन को 2 इंचेस पुश करना वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है, 1 फुट से पुश करना वो अमेजिंग होता है, और 5 फुट से पुश करना वो डिवाइन स्ट्रेंथ होती है। और 10 फीट से मतलब पुश करोगे तुम तो तुम बारबेरियन किंग होगे, तुम डिवाइन हंटिंग टीम को ज्वाइन कर सकते हो। जो ट्रायल है वो ऑफिशियली स्टार्ट होता है, अब तुम अपनी स्ट्रेंथ को दिखा सकते हो, ट्राई करो यहाँ पे। वो सभी बोलते हैं कि ठीक है, एक आगे की तरफ आ जाता है, बोलते ठीक है मैं भी ट्राई करता हूँ। वो पुश करने की कोशिश कर रहा होता है, पैट्रिच अनाउंस कर देते हैं कि शूट आउट डिस्क्वालीफाई होता है। शूट आउट बोल रहा होता है इतना हैवी कैसे सकता, तभी दूसरा आता है वो पुश करता है। पैट्रिच बोलते हैं कि लुफांग 1 फुट तुम अमेजिंग हो, वेल अमेजिंग किया तुमने। वो बोलते हैं कि ठीक है, तभी एक दूसरा आ जाता है, वो बोलता है मेरी टर्न है, वैसे पुश कर रहा होता है, वो मूव करता है उसे। पैट्रिच बोलते हैं कि 7 फीट लिन मैंग तुम्हारे पास डिवाइन स्ट्रेंथ है। वो हंसता और बोलता है कि मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ। पैट्रिच बोलता है कि लुशु अब तुम्हारी टर्न है, तुम आओ ट्राई करो। लुशु बोलता है ठीक है। लुशु स्टोन के सामने होता है। प्रिंसेस सोच रही होती है कि अब किसे पता क्या लुशु मेरे ब्रदर के ग्रेड्स को सब पास कर पाएगा। पैट्रिच बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम कर पाओगे। लुशु स्टोन को टच करता है और बोलता है कि मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, मुझे पता नहीं कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं। पैट्रिच चुप होता है। लुफेंग देख रहा होता है दूर से और सोच रहा होता है कि इतने ज्यादा सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ को पीने के बाद भी इस बच्चे को पता नहीं कि कर पाएगा कि नहीं। पैट्रिच बोलता है कि चलो हमें दिखाओ तो तुम क्या कर सकते हो। एक मार्शल आर्टिस्ट बोल रहा होता है कि कितने ज्यादा फीट ये बच्चा पुश कर पाएगा स्टोन को। पैट्रिच ऐसा लग रहा है कि इसको हाई रिगार्ड्स पे रखा हुआ उन्होंने। दूसरा बोलता है कि ये बच्चे का टैलेंट यूनिक है, इसे अबनॉर्मल फ्लेम्स का भी कोई डर नहीं था, तो शायद ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी तक पहुंच ही नहीं पाएगा शायद। दूसरा बोलता है कि इसकी बॉडी को देखो कितनी ज्यादा स्किनी है, जो मेरा राइट आर्म है वो अकेला इसकी पूरी बॉडी से बड़ा है। ये बहुत ज्यादा ग्रेट अकॉम्प्लिशमेंट ही होगी इसके लिए अगर वो 1 फीट या 2 फीट से पुश कर पाएगा। प्रिंसेस बोलती है लेफ्ट गार्डियन है, तो मुझे लगता है गार्डियन बोलते हैं मुश्किल है बताने के लिए, अगर इसे डिवाइन स्ट्रेंथ ग्रेड भी मिल जाएगा तो भी इसकी रिक्वायरमेंट्स बहुत कम होंगी साउल क्लिफ टाउन में एंटर करने के लिए। लुशु अपने हाथों को टच कर लेता है उससे, मतलब स्टोन से। लुशु सोच रहा होता है अब तक मैं सिर्फ ड्रैगन स्केल्स की पावर को यूज करता था, पर मैं अब अपनी स्ट्रेंथ को यूज करके मतलब ट्राई करना चाहता हूँ बिना उनकी स्ट्रेंथ को यूज किए। लुशु पुश कर रहा होता है, लुशु पूरी फोर्स लगा रहा होता है, वो जो स्टोन होता है पुश हो रहा होता है। पैट्रिच सोच रहा होता है कि इतनी ज्यादा इमेंस स्ट्रेंथ, ये तो ऐसा लग रहा है कि 1000 ऑफ पावरफुल बीस्ट एक ही बार में अटैक कर रहे हैं, पर ये सिर्फ यहाँ पे आधे साल से था। वो जो स्ट्रेंथ होती है उसका प्रेशर बाकी मार्शल आर्टिस्ट को भी प्रेशराइज कर रहा होता है। बाकी भी सोच रहे होते हैं कि ये स्ट्रेंथ तो, पैट्रिच भी हैरान होता है, सोच रहा होता है जो रोक की मूवमेंट है वो इतनी
ज्यादा बिग नहीं है, पर हम देखना चाहते हैं कि ये कितना ज्यादा दूर तक पुश कर पाएगा। गार्डियन बोलते हैं क्राउन प्रिंसेस अब मेरे पास एक जजमेंट है। प्रिंसेस बोलती है हंसते हुए कि तुम फाइनली बिलीव कर रहे हो ना मेरे वर्ड्स में। मैं फील करती हूँ कि लूजिंग के पास डेफिनेटली स्ट्रेंथ है साउथक्लिफ टाउन में एंटर करने के लिए। गार्डियन बोलते हैं कि वैली अभी भी इम्पोसिबल है। काफी तरीके होते हैं साउथक्लिफ टाउन में एंटर करने के लिए, पर ये इम्पोसिबल होता है सिर्फ रो स्ट्रेंथ को यूज करके। वेल एटलीस्ट ये इम्पोसिबल है कल्टिवेटर्स के लिए जो कि गोल्डली रिफाइनमेंट फॉरबिडन लैंड में। तुम्हारा ब्रदर भी ऐसा नहीं कर पाया था। प्रिंस बोलती है मेरे जो एल्डर ब्रदर था वो नहीं कर पाया था तो क्या हुआ। लूजिंग मेरे एल्डर ब्रदर को सरपास कर पाएगा तो क्या होगा। फिर लूजिंग सोच रहा था कि जो पावर डाउ पिलर की वो मैंने ऑलमोस्ट यूज कर ली है। चलो मैं अब अपनी 9 स्टार्स की पावर को यूज करता हूँ जो कि मेरे इंटरनल वर्ल्ड में। लूजिंग की बॉडी में वो स्टार्स ग्लो कर रहे होते, लूजिंग उनकी पावर को यूज करता है। जो पावर होती है लूजिंग के पंच में आ रही होती है। लूजिंग सोच रहा होता है चलो पहले 120 पावर को यूज करते हैं ताकि मैं ज्यादा अटेंशन को कैच ना करूं। वेल 100 में से 20 जो स्टार की स्ट्रेंथ है वो कुछ ज्यादा पावरफुल है, और ऊपर से जो सर्कुलेशन है स्ट्रेंथ की इन 9 स्टार्स के बीच में वो बहुत ज्यादा यूनिक है। ये ऐसा नहीं है कि मतलब मेरी मेरिडियन से आ रही है, मसल से आ रही है, बोन से आ रही है स्ट्रेंथ, पर एक किसी दूसरे प्लेस से आ रही है। ये सिमिलर है सेंट के स्पेशल लॉ से। मैंने सुना ओल्ड मैन फेंग से कि अगर जो सेंट होते हैं वो पावर को यूज करना चाहते हैं अपने इंटरनल वर्ल्ड के अंदर से तो उन्हें बस एक थॉट ही चाहिए, मतलब सोचने से वो कर सकते हैं ऐसा। क्योंकि ऐसा होता है कि जो डोमेन सेंट की क्रिएटेड होती है वो ऐसे लगने से दूर होती है, पर वो दूर होती नहीं है एक्चुअल में। इसलिए कुछ जो ट्रू गॉड जर्नल्स होते हैं वो इसे वैल्यूएंटिंग वर्ल्ड डिवाइन एबिलिटी बोलते हैं। मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं इस पावर को एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, जो कि ऐसा मेरे को फीलिंग दे रही है कि ये दूसरी डायमेंशन से आ रही है। पहले एक्चुअल में वर्ल्ड इनके अंदर होता ही है, पर ऐसा मान सकते हो तुम कि किसी दूसरे प्लेस में है ऐसा वैसा कुछ। लूजिंग के हाथ में वो आ रही होती है एनर्जी। लूजिंग सोच रहा है कि सच मुझे पॉसिबल है, मुझे पता नहीं था कि मैं फिगर कर पाऊंगा इसको मतलब इस तरह से यूज करने के लिए। फर्स्ट ट्राई है लूजिंग की। लूजिंग के हाथ में वो एनर्जी आती है, लूजिंग आगे की तरफ पंच करता है। लूजिंग पीछे रोक लेता है अपने पंच को, मतलब टच नहीं करता उस स्टोन से। फिर भी एक बहुत बड़े वेल पंच का साइन अपीयर हो जाता है स्टोन के ऊपर। वेल मार्क अपीयर हो जाता है। वो जो स्टोन होता है वो बहुत ज्यादा फास्ट तरीके से मूव कर रहा होता है आगे की तरफ। पैटच भी बहुत ज्यादा हैरान होता है, प्रिंसेस भी हैरान होती है, गार्डन भी हैरान होता है। ऐसे ही जो मार्शल आर्टिस्ट होते हैं वो काउंट कर रहे होते 10 feet, 20 feet, 50 feet। हे भगवान, वो जो स्टोन होता है वो आगे मूव करता करता एक हाउस को डिस्ट्रॉय कर देता है। सभी चुप हो जाते हैं। वेल पैट्रियाज को भी कुछ नहीं होता बोलने के लिए बचा हुआ। पैट्रियाज सोच रहे होते हैं कि ये रीजनेबल है बोलने के लिए, अगर गोल्डन स्टोन को हम पुश करेंगे तो काउंटर रिएक्ट होगा ही। वेल जो डिवाइन कलर की पावर है उससे। वेल एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन वाला सीन है। अगर ये इसी प्लेस पे खड़ा है तो इसकी बॉडी इम्पैक्ट को सह नहीं पाती। वेल नॉर्मली कि लूजिंग पीछे पुश होता, अगर लूजिंग ऐसा किया तो वो पुश होता पीछे की तरफ। पैट्रियाज बोलता है तुमने कैसे किया। लूजिंग बोलता है क्या तुम मेरे को पूछ रहे हो कि मैंने स्टोन को कैसे पुश किया। पैट्रियाज बोलता है नहीं वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम पीछे की तरफ पुश क्यों नहीं हुए। लूजिंग सोच रहा था मैं तो भूल ही गया इसके बारे में, जो रिएक्शन फोर्स थी जो ओरिजिनेट हुई थी उससे बचने के लिए मैंने अपना हाथ पहले ही पीछे कर लिया था, डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं डाला स्टोन के ऊपर, इसकी वजह से ज्यादा काउंटर रिएक्शन नहीं हुआ, पर इसकी वजह से मैंने ये सिचुएशन क्रिएट कर दिया। लूजिंग चुप होता है। पैट्रियाज भी देख रहा होता है उसकी तरफ और बोलता है मैं एक तरह की डिवाइन एबिलिटी को कल्टिवेट किया है जो मेरे को अलाउ करता है स्ट्रेंथ को बोरो करने के लिए, वेल ब्रिंग आउट करने के लिए मेरी बॉडी से, इसलिए मैं पीछे पुश आउट नहीं हुआ। पैट्रियाज नीचे आ जाता है और बोलता है कि वेल ये एक्चुअली में काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है, पर कांग्रेचुलेशन तुमने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और तुमने टाइटल ऑब्टेन कर लिया सैवेज किंग का, तुम डिवाइन हंटिंग टीम को ज्वाइन कर सकते हो। ऐसे बाकी मार्शल आर्टिस्ट भी हुर्रे वगैरह कर रहे होते हैं, मतलब खुशी दिखा रहे होते हैं। तब एक बच्चा आता आगे और बोलता है पैट्रियाज जो प्रोफेट है वो लूजिंग को मिलना चाहते हैं। पैट्रियाज बोलते हैं कि लूजिंग तुमने ऑलरेडी स्ट्रेंथ ट्रायल को पास कर लिया है तो तुम मेरे को फॉलो क्यों नहीं करते प्रोफेट को मीट करने के लिए। लूजिंग बोलते हैं प्रोफेट। लूजिंग चुप होता है, फिर बच्चे की तरफ देखता है और बोलता है कि मैं समझता हूँ। वो एक टेंट की तरफ जा रहा होता है, जैसे एंटर करता है वहाँ पे एक ओल्ड मैन बैठा होता है। ओल्ड मैन बोलता है कि यंग मैन वहाँ पे बैठ जाओ। लूजिंग सोच रहा होता है कि ये प्रोफेट मेरे से चाहता क्या है। लूजिंग बैठते प्रोफेट बोलते यंग मैन तुम समझते हो कि हम जो है वो डिपेंड करते हैं गोडली रिफाइनमेंट फॉरबिडन लैंड पे, जो गोडली फॉरबिडन लैंड है वो होली डोमेन के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि तुम एक ग्राउंड के ऊपर बैठे हुए हो, तुम 8 small billion miles अ डे मूव कर रहे हो, डाउनवर्ड स्पिन कर रहे हो, डेप्थ ऑफ क्योस में मूव कर रहे हो, नीचे गिर रहे हो, पर फिर भी कोई तरीका नहीं इसे प्रसीव करने का। लूजिंग बोलते तुम क्या बोलना चाहते हो, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, मैं भी जानना चाहता हूँ इसने क्या बोल दिया। लूजिंग सोच रहा है कि ये इंसान सडनली इस तरह से क्यों बात कर रहा है। ऐसे जो लिविंग बींग्स होते हैं जो स्टार के ऊपर होते हैं वो फील नहीं करते हैं रोटेशन को स्टार की, पर कहने का क्या मतलब है इसका कि नीचे गिर रही है वो चीज। शायद वही रोटेशन होती है अर्थ की होती है जैसे कि। लूजिंग बोलते हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तुम क्या बोला तुमने, पर ये जो तुमने बोला इससे मेरा कुछ है रिलेशन। प्रोफेट बोलता है ये जो व्यू पॉइंट है वो काफी ज्यादा ने प्रेज किया है होली डोमेन में, मेरे मास्टर ने भी, तो उसने गिव अप कर दिया। वेल मतलब एंटायर डोमेन को बनाना नहीं, मतलब उसने वो छोड़ दिया आइडिया, उसने अपने सारे लाइफ के वर्क को गॉडली फॉरबिडन लैंड
माइंड में डाला। मतलब ये जो वर्ल्ड है, ये जो गॉडली फॉरबिडन लैंड है, ये इनकम्प्लीट है, कम्प्लीट नहीं किया उसने, मास्टर ने। प्रोफेट बोलता है कि मास्टर चाहते थे कि वो अपनी स्ट्रेंथ को सभी के साथ शेयर करे, ताकि एक मिरेकल हो बाकी जितने भी लोग हैं उनमें से, और वो होली डोमेन को पकड़ के रखे। लुजंग तो अच्छा ही उससे कनेक्टेड है, जो सेंट है जिसने मतलब ये गॉडली फॉरबिडन लैंड को क्रिएट किया है। तो तुम ये मेरे को क्यों बता रहे हो? प्रोफेट चुप हो जाता है, फिर बोलता है थोड़ी देर के बाद, क्योंकि तुमने ही सबसे ज्यादा सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ को गेन किया है। लुजंग सुन के हैरान हो जाता है और सोचता है, इसे पता है कि मैंने कितना ज्यादा स्ट्रेंथ सेंस को अब्सॉर्ब किया है? ऐसे रीजनेबली बोला जाए तो सिर्फ लियू ने देखा था कि मैंने कितना ज्यादा स्ट्रेंथ सेंस को अब्सॉर्ब किया है, बाकी को पता नहीं है। पर लियू ने किसी को भी नहीं बताया इसके बारे में जैसे वो बाहर आया। पर वो जो लेक था वो आर्टिफिशियली किसी ने बनाया था, वहां पे वो जो बॉल टाइप भी थी कंट्रोल करने के लिए ग्रेविटी को। कोई कल्टिवेटर में तो जाएगा तो डेफिनेटली सेंट को पता लग जाएगा। लुजंग अपने सर के ऊपर हाथ मारता है और बोलता है कि मैंने सच्ची मुझे कुछ ज्यादा अब्सॉर्ब कर लिया है। कि मतलब सेंट बोल रहा है कि कोई प्रॉब्लम है इससे? प्रोफेट बोलता है कि इतने ज्यादा स्ट्रेंथ सेंस को अब्सॉर्ब करना ये तुम्हारी खुद की पावर है, मास्टर को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लुजंग बोलता है सच्ची? तो गाइस एपिसोड नंबर 349 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करो, नहीं भी फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी है, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय।